नहीं, 4.3 का हम टारगेट निकाला, हमने डिस्कस किया था काफी स्लोप के बारे में ना। लास्ट जो हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो स्लोप की लीनियर के बारे में। स्लोप लीनियर तक तो हो गया था, फिर उसके बाद आज जो करना है हमने वो देखना है स्लोप पैरेलल कब होती है और परपेंडिकुलर कब होती है। दो स्लोप्स जैसे आपस में इन्होंने कह दिया था ना, स्लोप ऑफ ए बी अगर स्लोप ऑफ बी सी के बराबर है तो हम उस पॉइंट को कह सकते हैं ए बी सी तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर कहता है दो लाइंस आपस में हमारे पास उनकी रिस्पेक्टिव स्लोप हो ना, L1 है एक, L2 दो लाइन है, उनकी स्लोप हमने फाइंड आउट की है M1 और M2। पैरेलल जब होंगी, ये MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो अगर वो पूछता है पैरेलल जब होंगी स्लोप्स आपस में तब M1 इक्वल टू क्या हो जाता है M2 के। अगर वो कहता है कि परपेंडिकुलर है दो स्लोप, इन दोनों लाइन की स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है -1 के। तो यहाँ इधर से ये लिख सकते हैं आप, यहाँ फिर लिख सकते हैं M1 इक्वल टू -1 ओवर M2। इसी तरह आप लिख सकते हैं M2 इक्वल टू -1 ओवर M। तो इसके जो है हमारे पास क्वेश्चन, अब वो थोड़े से देख लेते हैं एक्सरसाइज में, 4.3 एक्सरसाइज में। ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे, जो अभी हमने दो किए हैं, ये काफी मरतबा पेपर में आ चुके हैं। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक्सरसाइज का कहता फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। अच्छा, अभी ये देखें, सबसे पहले उसने क्या किया है कि ये पॉइंट्स उसने ड्रॉ किए हैं। अब पॉइंट्स में हमारे पास कौन कौन से थे, हमारे पास थे -2 एंड 4। कौन ये दो पॉइंट्स उसने हमें बता दिए, -2 एंड 4। कहते हैं इनकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। आपको कल बताया था उनका फार्मूला, ये हमारे पास लिखा हुआ है स्लोप का फार्मूला। ऊपर बेसिकली होता है वाई, नीचे होता है एक्स। तो वाई के पॉइंट्स हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हो तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, y2 -y1, या इधर आपको लिखा था y1 -y2 ओवर x1 -x2। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास y2 -y1 ओवर x2 -x1। तो अब y2, अब ये देखिए, ये पॉइंट है x1 का, ये पॉइंट है y1 का, ये पॉइंट है y2 का, सॉरी x2 का, और ये पॉइंट है y2 का। अब ये देखिए y2, ये y2 है -y1, ये लिख दिया उसने। फिर उसी तरह x2 -x1 होगा, तो x1 पहले ही माइनस है, माइनस माइनस क्या कर देगा उसको प्लस। 11 में से 4 किए तो हमारे पास आ गया 7, 5 + 2 7, 7 को 7 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। अब उसने कहा है कि पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन भी आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से पॉइंट पे, मतलब ये बनते हैं पॉइंट्स ना। तो आपको वो कल एक फॉर्मूला था हमारे पास, tan α इक्वल टू क्या था m, ठीक हो गया। अब m की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है इस फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से, दो पॉइंट्स की ना। हमने स्लोप तो निकाल ली थी, हमने स्लोप इसमें पुट कर दी। ये देखें, इसमें पुट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास क्या बन गया, tan α इक्वल टू m था, m की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो उधर से अल्फा उधर ही रहा, tan दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है, 45 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसकी स्लोप भी आ जाएगी और एज वेल एज हमारे पास इसका इंक्लिनेशन पॉइंट भी आ जाएगा, जो हमारे पास लाइन जहाँ पे ज्वाइन कर रही है। अच्छा, इनके क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं 4.3 के। अच्छा, सिर्फ 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन उसका ए पार्ट 3। नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ठीक हो गया ना। जी, दो ये होमवर्क प्लस क्लास वर्क दोनों है ना,
देख लेना तो पहले दूसरे दोनों में से कोई भी नहीं। नहीं चलो सही है, क्वेश्चन नंबर थ्री जाते हैं। ये तो बहुत लंबी एक्सरसाइज है। हाँ ये लंबी एक्सरसाइज है, लेकिन आपका तो स्कूल मिल गया ना आप लोगों को कि उन्होंने छोटी कर दी आपके लिए, पहले दोनों क्वेश्चन नहीं दिए उन्होंने, इसी तरह और भी क्वेश्चन थे। इसमें से लॉन्ग आने हैं? हाँ इनमें से अक्सर मतलब लॉन्ग ही आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, शॉर्ट भी जहाँ जहाँ लॉन्ग आएंगे मैं लॉन्ग का आपको बता दूंगा, जहाँ जहाँ शॉर्ट आएंगे। ये शॉर्ट ही है, जैसे ये सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया ये शॉर्ट ही था। सर थर्ड क्वेश्चन लॉन्ग है कि शॉर्ट? थर्ड शॉर्ट नहीं, वो तो शॉर्ट है, शॉर्ट है। कौन कहता बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन द सेम लाइन, तो इसका मुझे कौन बताएगा कि अगर तो ये सेम लाइन में हो तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक सेम लाइन में है। हमने लास्ट टाइम बल्कि आज भी इसका रिवाइज किया हमने। मतलब सेम लाइन पे है कि नहीं है, मतलब कोलिनियर है कि नहीं है। अच्छा अभी ये देखें, इसमें कोलिनियर होने का मतलब ये है कि हम इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी। आज नहीं पढ़ा हमने, डिस्कस किया है, अगर ए बी की स्लोप बी सी की स्लोप के बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं ये पॉइंट तीनों ए बी सी किस पे है, सेम लाइन पे। ये देखें ये रिजल्ट आज ही हमने डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने परपेंडिकुलर और वो वाला डिस्कस किया है उससे पहले, तो ये देखें स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देन द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर लाई ऑन द सेम लाइन, डेट इज उसने लिख दिया डेट इज लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब उसने उधर वर्ड कोलिनियर यूज नहीं किया, उसने बोल दिया लाई ऑन द सेम लाइन। तो जब सेम लाइन पे आएंगे तो तब हमने क्या प्रयोग करना है, तब हमने स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी, वो हमारे पास आपको पता है फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो वो वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पे। तो देखते हैं इसका तीसरे का फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने a कह दिया, इसको b कह दिया, इसको हमने c कह दिया। अब हमने उधर ऊपर भी फार्मूला पढ़ा स्लोप ऑफ ए बी, ए बी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, y2 5 है, y1 3 माइनस 3 है, 5 माइनस माइनस 3 वो प्लस हो जाएगा 8 बन गया, तो नीचे वाला हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस माइनस 1 वो 1 प्लस 1 बन जाएगा, तो इसकी स्लोप क्या आ गई 4। इसी तरह अब हमने ए बी की स्लोप निकाली है, अब हमने स्लोप निकाली है बी सी की, बी सी की स्लोप हमारे पास किस तरह आएगी, बी सी की स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करना है 9 माइनस 5 वो बन गया 4, 2 माइनस 1 वो बन गया 1, तो आंसर देखें 4 4 दोनों का क्या आ गया सेम आ गया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, देयरफॉर ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अगर आपको इस तरह नहीं समझ लगती तो आप इस पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करके देख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या है माइनस वन और माइनस थ्री, आप ये तरतीब लगे ना मतलब लाइन इधर लगी है ये 9 तक जानी है, ये थोड़ी सी लेंथ बन जाएगी, मतलब ये एक ही लाइन पे आएंगे, जो भी लाइन होगी ना उस लाइन पे ये पॉइंट एक इधर होगा, दूसरा पॉइंट इधर करके होगा, तीसरा पॉइंट इधर करके होगा, ये एक ही लाइन पे आएंगे ये तीनों पॉइंट, तो वो फाइंड आउट करने का तरीका कार क्या है आपको बता दिया, स्लोप निकाल लेने इनकी, स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ बी सी, अगर तो वो आपस में इक्वल आ गई तो हम कह देंगे ये लाइन ऑन सेम पॉइंट सेम लाइन। सर इसमें फार्मूला कौन सा लगना है, कौन सा किसमें, इस क्वेश्चन में तो बताया तो है स्लोप का फार्मूला, ये देखो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये स्लोप का फार्मूला था हमारे पास, दो पॉइंट्स जब गिवन हो, दो पॉइंट्स जब हमारे पास गिवन हो तो तब क्या होते हैं,
तब हम उसकी स्लोप इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अब इसको सपोज कर लो ये m1 है ये m2 है, m1 और m2 आपस में जब बराबर आ जाए तो वो स्लोप क्या होती है, पैरेलल होती है। ये अभी आज ही हमने डिस्कस किया है, ये फार्मूला लगना है इसका। जी नेक्स्ट कौन सा इसका क्वेश्चन है? सर बी पार्ट है इसी का। इसी का बी पार्ट है, बी सी डी सर ऐसे ही होना है, नेक्स्ट करवा दें करना वैसे ही है मतलब, हाँ वैसे ही कर लेना है। चलो डेट देखो आंसर क्या बनता है, वैसे डेट की आंसर हम देखते हैं इसका। 5 - 5 - 5 ये बन जाएगा 10 और 7 - 4 ये बन जाएगा हमारे पास 3, 10/2। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे 15 - 5 ये बन जाएगा 10 और 10 - 7 ये बन जाएगा 3। तो इस दोनों की स्लोप फिर सेम आ गई, तो इसका मतलब ये वाला भी पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एक ही लाइन पे और सेम लाइन पे आएंगे, ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा इसका? क्वेश्चन नंबर फोर। हाँ यहाँ से आके ना आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन भी शुरू हो जाते हैं, और ये थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब इसमें आज ही हमने डिस्कस किया है ना, अगर तो इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल आ जाती है तो तब इन दोनों की स्लोप इक्वल होगी कब, जब ये पैरेलल होंगे। दोनों की स्लोप आपस में आंसर हमें देगी परपेंडिकुलर में, जब m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर आए -1 के बराबर। तो अब उसने कहा है कि आपने स्लोप इनकी सबसे पहले फाइंड आउट कर लेनी है, स्लोप फाइंड आउट करने के बाद आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बेसिकली k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये देखें फाइंड k सो दैट लाइन जॉइनिंग ए बी एंड ये दो एक लाइन ये होगी एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी दूसरी लाइन ये होगी सी और डी वाली। तो आपको पता है इनकी स्लोप कैसे निकालते हैं, -6 - 3 - 9 बन गया k -7, तो वो ओवर में नीचे आ गया। ये m1 हमारे पास एक स्लोप आ गई ए बी की, फिर सी डी की स्लोप निकालेंगे। सी डी की स्लोप निकालने के लिए हमने क्या करना है, सी डी की स्लोप के लिए हमारे पास उसी तरह 4 - 5 वो बन गया हमारे पास -1, उसी तरह -6 + 4 वो बन गया -2, -2 कैंसिल हो गया 1/2 आ गया। अब उसने बुक में देखे उसने कंडीशन दो दी हुई है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। पैरेलल जब होता है आपको पता है स्लोप m1 इक्वल टू m2 के होती है, ठीक है, इन दोनों स्लोप को आपस में इक्वल टू रखेंगे, इधर k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये देखें नेक्स्ट, पहली स्लोप थी -9/(k - 7) और दूसरी स्लोप थी 1/2, तो k माइनस 7 इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया k माइनस 7 और 2 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर -18 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या आंसर बन गया, तो k इधर ही रहा और -7 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ गया k की वैल्यू आ गई -11। अब आपने अगर अपनी भी सर्टिफिकेशन करनी है कि वाकई ही इनका आंसर सेम आता है तो आप इधर से देख लें आपका आंसर क्या है, आपका आंसर क्या है अभी -11 था, आप -11 इसमें पुट करें तो इसका आंसर बन जाएगा आपके पास ऊपर बन जाएगा -9 और नीचे बन जाएगा आपके पास -11 - 7, तो ये बन जाएगा -18। तो -, ये दोनों क्या हो गए प्लस हो गए, 9 1s are 9 2s are, तो ये आंसर क्या बन गया 1/2। तो इधर से देखो पैरेलल में ये होता है ना स्लोप बराबर होती है पहले और दूसरे की, k की वैल्यू रखने के बाद पहले और दूसरे की स्लोप आपस में क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका अब सेकंड पार्ट में अब यही दोनों स्लोप हैं, इन दोनों स्लोप को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू -1 रख लेना। स्लोप क्या है पहली -9/(k - 7) और दूसरी है 1/2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके परपेंडिकुलर वाले केस में, तो उसको किसके बराबर रख लिया हमने -1 के, दोनों स्लोप को आपस में मल्टीप्लाई किया -1 के बराबर रख लिया, ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा
टू के माइनस फोर्टीन, बल्कि ये उसने कट्ठे लिख दिया था, टू भी और के माइनस सेवन इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और इधर ऊपर माइनस नाइन आ गया। अब इधर भी माइनस आ रहा था, इधर भी माइनस आ रहा था, माइनस माइनस आपस कैंसिल हो गया, नाइन इक्वल टू टू के, टू को अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, टू के माइनस फोर्टीन। अब हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के इधर जाएगा टू के, फोर्टीन दूसरी तरफ जाकर क्या हो गया प्लस वाला, नाइन प्लस फोर्टीन वो हो गया ट्वेंटी थ्री, ट्वेंटी थ्री इसके साथ टू भी आ रहा है, ये टू नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी थ्री ओवर टू, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड वैल्यू बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर ओ सिक्स। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको पता है कि पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में हमारे पास ये सामने शक्ल बनी हुई है, पैरेललोग्राम होती है हमारे पास रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप ही होती है हमारे पास ना, लेकिन रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा इन्होंने ना मतलब बेंड किया होता है, ये बनी हुई है हमारे पास ना, ये वाली पैरेललोग्राम की डायग्राम बनी हुई है, उसमें हमारे पास ये सेम होता है ना, उसमें ये आ जाता है इधर से इतना और इधर से ये वाला पोर्शन, ये होती है हमारे पास रेक्टेंगल, और अगर इसमें मतलब थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा मतलब टेढ़ापन कह दें तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाती है। अब पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमने क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास अपोजिट साइड जो है कि उनका आंसर आपस में, आपको पता है ए से बी का डिस्टेंस इक्वल होता है सी से डी के डिस्टेंस से या डी सी के डिस्टेंस से, इसी तरह ए से डी का डिस्टेंस बराबर होगा बी से सी, और हमने इधर से चौथा जो है वो हमने फाइंड आउट कर लेना, चौथा जो वर्टेक्स इसका गिवन है ना, इसके कितने वर्टेक्स है हमारे पास गिवन, इसके वर्टेक्स हमारे पास है तीन, एक बी दूसरा सी तीसरा, आर कंजक्टिव वर्टेक्स वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम फाइंड द फोर्थ वन। अब ये देखो कंजक्टिव कैसे, पहला दूसरा तीसरा फिर ये चौथा हमने फाइंड आउट कर लिया, उसको हमने नाम दे दिया ए और बी का। सबसे पहले हमने स्लोप के जरिए, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम फाइंड आउट करते थे डिस्टेंस फार्मूला के जरिए, अब इसमें हमने फाइंड आउट करना है स्लोप वाले फार्मूले के जरिए, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे माइनस टू माइनस सेवन जो हमने निकालनी है स्लोप, ए टू माइनस माइनस प्लस वन ये आ गया टू प्लस वन, फिर माइनस टू माइनस सेवन ये नीचे आ गया, तो इनको कैंसिलेशन करने के बाद ये आंसर आ गया माइनस वन ओवर थ्री, एक निकलाई मतलब ये एक साइड की निकलाई पहले स्लोप, फिर अब दूसरी साइड की निकालते हैं बी सी की, बी और सी की, इसमें अब ये एक्स वन एक्स टू ये सॉरी एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू, अब उसी तरह फोर में से टू निकाल लेंगे फोर माइनस टू और वन में से ये माइनस टू निकालेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया टू ओवर थ्री, फिर उसके बाद हमने निकालना था सी डी इसी तरतीब से सी डी, तो अब उसी तरह बी में से फोर निकलेगा बी माइनस फोर आ गया, ए में से वन निकलेगा ए माइनस वन आ गया, फिर एट द एंड लास्ट में जो बनेगा वो पॉइंट बनेगा हमारे पास डी ए, मतलब एक पैरेललोग्राम क्लोज भी हो जाएगी डी ए, तो डी ए में हमारे पास पहले क्या आ रहा है माइनस वन और इधर से माइनस बी, वाई टू में से वाई वन माइनस करेंगे, फिर एक्स टू है हमारे पास सेवन और एक्स वन है हमारे पास ए वाई माइनस ए, तो इधर से ये हमारे पास ये बन जाएगा। अब आगे टर्म हमारे पास ये चार चीजें आ गई हमारे पास, स्लोप सबकी आ गई, स्लोप सबकी फाइंड आउट कर ली हमने, अब मालूम करनी है इसका चौथा वर्टेक्स, चौथा कोना जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब स्लोप हमें पता है स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू होगी किसके, स्लोप ऑफ सी डी के, आपको बताया था ना कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल है, तो इनकी स्लोप भी आपस में क्या होगी इक्वल होगी,
तो जब इक्वल होगी तो इनमें से हमने स्लोप निकाली हुई है, इधर क्या है माइनस वन ओवर थ्री, और स्लोप ऑफ सी डी क्या है हमारे पास माइनस बी माइनस फोर ओवर ए माइनस वन। तो इनको आपस में बराबर रखते हैं, इनको बराबर रखा, बराबर रखने के बाद हमारे पास एक क्वेश्चन बन गई। वो क्वेश्चन किस फॉर्म में बन गई, ये थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए माइनस वन इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास माइनस ए माइनस थ्री बी, ये क्वेश्चन एक बन गई हमारे पास। ये क्या था, ये हमने किया था कि स्लोप हमने रखी थी ए बी और सी डी आपस में बी सी के बराबर रखी थी। इसी तरह स्लोप ऑफ बी सी इक्वल टू डी ए, तो उधर से हमारे पास एक क्वेश्चन बन जाएगी। इन दो क्वेश्चन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारे पास ए और बी का आंसर आ जाएगा। ये देखिए स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ डी ए आपस में बराबर रखने के बाद ये दूसरी क्वेश्चन बन गई। पहली और दूसरी क्वेश्चन में देखें कोई चीज कॉमन आ रही है, इसमें माइनस टू ए है उसमें थ्री बी, थ्री बी माइनस का एक में प्लस का है, सिंपल दोनों को ऐड कर लो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिलेशन हो जाएगी ये हमारे पास, और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस थ्री ए प्लस 30, और माइनस थ्री ए दूसरी तरफ जाके प्लस थ्री ए हो जाएगा। ए की वैल्यू इधर से क्या आ गई 10। अब ए की वैल्यू इसमें 10 पुट कर दे, इस क्वेश्चन में 10 पुट करेंगे, 10 ये माइनस क्या ये प्लस के 13 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ओनली 3 रह जाएगा इधर। और नेक्स्ट हमारे पास ये 3b माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो b का वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ गई आपके पास 1, और जो है हमारे पास a की वैल्यू वो आपके पास 10, तो ये इसका फोर्थ होगा। अब इसको भी अगर आप कहते हैं कि हमने उधर ही काउंटर पेपर में ही काउंटर चेक करना है, काउंटर चेक करने के लिए आप उसी में फौरन मतलब ये जो आपने स्लोप निकाली हुई है इस स्लोप में आप पुट कर देंगे, ए बी और सी डी की स्लोप अगर आपस में बराबर आ गई तो इसका मतलब ये आपस में क्या है पैरेलल है। ये देखिए पैरेलल ही है ना, ये लाइन भी इधर है ये लाइन भी इधर है, जैसे रेल की पटरी होती है आपस में पैरेलल, इसी तरह बी सी और डी ए आपस में पैरेलल है, ये दोनों एक दूसरे के सामने आपस में पैरेलल है, कभी भी ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, क्रॉस मतलब कट नहीं करेगी, क्रॉस ये वाला नहीं कि मतलब ये वाली लाइन आगे चलेगी ये वाली लाइन इधर ही रहेगी, पैरेलल। क्रॉस का मतलब ये होता है कि आपस में एक दूसरे को ऐसे कट नहीं करेंगे मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, हमेशा पैरेलल ही चलती रहेगी। तो ये देखें बी की वैल्यू हमारे पास आपने क्या निकाली है अभी 1, और ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है 10, बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा माइनस 3, और 10 इसमें रखेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 9, तो 3 वन जा 3 माइनस 1 ओवर 3। तो ये देखें ये इसके वैल्यू के बराबर नहीं आ गया, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, जब ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, एक ही चेक कर लें आपको उधर से तसल्ली हो जाएगी कि आपका आंसर ठीक है। ये करने की पेपर में जरूरत नहीं होती लेकिन आपको तसल्ली ये हो जाती है जब आपको पता लग जाता है कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक है तो अगले क्वेश्चन की तरफ आप जिसे कहते हैं जोश से बढ़ते हैं कि हमने अगला क्वेश्चन भी इसी तरह ही कोशिश करनी है सही बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, इसमें कहता है फाइंड एन इक्वेशन, हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है कहता, तो जिसमें हमारे पास द वर्टिकल लाइन थ्रू माइनस फाइव और माइनस और सॉरी माइनस फाइव और थ्री। अब वर्टिकल लाइन है, आपको याद होगा कि शुरू वाले दिन में हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने ये डिस्कस किया था जब हॉरिजेंटल लाइन होगी तो उसकी स्लोप जो है हमारे पास वो क्या होती है, बोलो पॉइंट ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, एम इक्वल टू टेन थीटा टेन अल्फा, ये टेन टेन ऑफ अल्फा।
अगर स्लोप हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन होगी तो हमारे पास स्लोप बन जाएगी जीरो। आप उस दिन बताया था टैन जीरो पुट करेंगे क्योंकि हॉरिजेंटल है तो उस लाइन के बराबर ही आ जाएगी, तो टैन जीरो जीरो होता है। जब वो बात करेगा वर्टिकल लाइन की तो एंगल कौन सा बनेगा 90 का, जब 90 पुट करेंगे तो टैन 90 आपको पता है किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी के, वन ओवर जीरो भी लिख सकते हैं और इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें हमारे पास जो है वो थोड़ा सा इसका एक टॉपिक और है जिसमें इसकी जो है वो क्वेश्चन हमने बनानी होती है ना, क्वेश्चन वाला फार्मूला y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1। ये जो आपके पास क्वेश्चन थी, यहाँ क्वेश्चन थी हमारे पास m इक्वल टू, हम स्लोप को लिखते हैं ना m और y ओवर x। फिर अभी हमने पीछे जो जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने फार्मूला लगाया था m इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसमें हमने जनरलाइज फॉर्म में लेके जाना है, जनरलाइज फॉर्म में हमारे पास उसमें m पॉइंट्स नहीं यूज करता, एक पॉइंट होता है और एक हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब y माइनस y1 होगा ओवर x माइनस x1 होगा, है फार्मूला वही, उसको रीअरेंज करना है हम। इसके बराबर आ गया स्लोप m के बराबर, ये सारा पोर्शन दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म बनानी ना, अगर हम पॉइंट्स लिखते तो हमारे पास पॉइंट्स ही आंसर आना था। अब इधर हमने इक्वेशन बनानी है, उसने n इक्वेशन बोला है, जब इक्वेशन बनाएंगे तो लाजमी बात है कोई ना कोई दो पॉइंट्स हमारे पास होंगे तो हम मतलब जनरल फॉर्म होगी तो तभी हम इक्वेशन बना सकेंगे। अगर तो हम ये पॉइंट्स ही यूज करते जाएं, ये भी पॉइंट और एक दूसरा पॉइंट हम यूज कर लें तो वो हमारे पास पॉइंट में ही आंसर आएगा, कोई ना कोई नंबर आंसर आएगा, वो क्वेश्चन नहीं बनेगी। तो इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए जो था y में से y1, x में से x1, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह x माइनस ये बन जाएगा x1। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी। अब इस इक्वेशन में हमने पुट करना है मतलब स्लोप की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू के बाद हमने देखनी है इसमें x1 और y1 की वैल्यू, x1 और y1 की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हम मतलब जो हमने क्वेश्चन बनानी थी वो क्वेश्चन से हम इसका क्वेश्चन सॉरी इसकी क्वेश्चन बना लेंगे। इस क्वेश्चन को बोलते हैं हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, m इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1, और इधर से आपके पास दोनों क्वेश्चन दोनों तरह लिखती हैं, या इस तरह लिख लो सॉरी इस तरह लिख लो अगर ओवर वाली फॉर्म में लिखनी है तो, या फिर ये इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली फॉर्म बना लो, ये होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। आपको वैसे ही भी रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म इसने क्यों बोला है, आपके पास इधर से स्लोप भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, पॉइंट स्लोप आप इसकी स्लोप किधर से फाइंड आउट करनी है, हॉरिजेंटल लाइन से, हॉरिजेंटल लाइन एक मतलब उसने स्लोप दी है आपको, एक उसने पॉइंट दिया है, तो नाम क्वेश्चन का क्या दे दिया उसने, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म इसलिए इसको बोलते हैं। अब इसका हम देखते हैं इसका क्वेश्चन, हम ये इसको रिजॉल्व करते हैं सॉल्व। अच्छा अभी नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका सेकंड पार्ट में, अब ये देखें अब हमारे पास सेकंड पार्ट में एक वैल्यू दी हुई है, उसने वर्टिकल लाइन जब बोला है तो आपको पता है उसका एंगल कौन सा बना है, आपको अभी बताया मैंने m इक्वल टू टैन अल्फा, टैन अल्फा आपको पास है जब वर्टिकल लाइन होगी तो एंगल 90 बनेगा, तो उसकी स्लोप क्या बन गई आपके सामने, स्लोप बन जाएगी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आपको पता है इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं वन ओवर जीरो, वन ओवर जीरो लिख सकते हैं। और पॉइंट्स उसने ये आपको क्वेश्चन में उसने दिए हुए माइनस फाइव और थ्री, तो वो पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एक्स वन और एक्स टू, ये देखें पॉइंट और ये स्लोप,
पॉइंट लो फॉर्म. तो इधर से हमारे पास जो अभी क्वेश्चन लिखी थी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये वाला जो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो ये वाली फॉर्म आ गई. अब पॉइंट हमारे पास क्या है, वाई वन का थ्री है, तो वाई वन की जगह हमने थ्री पुट कर दिया. स्लोप हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट कर दी. एक्स वन का पॉइंट क्या है हमारे पास, माइनस फाइव, माइनस फाइव पुट कर दिया. इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं वन ओवर जीरो, वन ओवर जीरो फॉर्म में, वन ओवर जीरो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. तो इधर से हमारे पास ये सारे का सारा पोर्शन जीरो उसके साथ मल्टीप्लाई होके जीरो कर देगा उसको. इधर से हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, एक्स प्लस, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा. अच्छा मुझे ये बताना कि टाइम कितना रह गया है वैसे, क्योंकि आज उसने वो रिमाइंडर नहीं दिया हमें क्लास का टाइम. 15 मिनट वो हो गए, बस कर दे. चलो ठीक है, आज बस कर लेते हैं इतना, यहाँ तक ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म तक. यस, आगे देख लेंगे, आगे अगर इसका कोई और पार्ट है तो बता दो, नहीं तो आगे हम कर लेते हैं फिर नेक्स्ट मूवमेंट इसकी कर लेते.